हम लोग जा रहे हैं आज की इस वीडियो को बनाने, जिसमें हमें अपने अकाउंट को, लाइव अकाउंट को रोज 10% ग्रो करना होता है। 10% ये मेरी चॉइस है, आपकी चॉइस भी हो सकती है 5%, 1%, 2%, जैसा जैसा कैपिटल वैसे वैसे प्रॉफिट। और एक बात आप देख लो, अगर आपने जैसे आपके पास कैपिटल है 10,000 रुपये और इसी चार्ट पे आप 10% ग्रो करते हो प्लस 10%, तो आपके पास डेली का 1,000 रुपये आता है, मतलब एक दिन का 1,000 आता है, वो 11,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। और यही चीज़ सेम बढ़ाना 10% ही है, मगर आपके पास कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये है, तो आपके पास कितना बढ़ेगा, 100 रुपये, 100 रुपये बढ़ेगा। अमाउंट छोटा नहीं है, कैपिटल के हिसाब से 10% ही है। जैसे कि सपोज़ आपके पास 1,000 रुपये हैं, मेरे पास 10,000 रुपये हैं और किसी और के पास 1,00,000 रुपये हैं, तो आपने 10% कमाया आज के इस मार्केट में, ये पीछे मार्केट चल रही है, तो आप 100 रुपये कमाओगे और आपको लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है, और आप फिर और ज़्यादा ट्रेड करने के चक्कर में ये जो 1,000 रुपये भी हैं इसे भी लॉस कर दोगे। और समझो कि मैंने, मेरे पास 1,000 की जगह 10,000 रुपये हैं, मैंने भी 10% ही कमाया इसी चार्ट से, इसी स्ट्रेटजी से, तो मैंने आज दिन का 1,000 रुपये कमा लिया, तो मेरे लिए ये दिन की दिहाड़ी हो गई 1,000 रुपये। सोचो किसी और के पास और 1,00,000 रुपये हो कैपिटल में, यहाँ पे 1,00,000 रुपये, उसने भी इसी चार्ट से सेम स्ट्रेटजी से सिर्फ 10% कमाया प्लस 10%, तो कितना हो गया, 11,000 रुपये एक दिन की इनकम, एक दिन की इनकम 11,000 रुपये अगर उसके पास आते हैं, जबकि स्ट्रेटजी सेम है मेरी भी, आपकी भी और तीसरे बंदे की भी। तो उसने एक दिन का 1,000 कमाया, मतलब मैंने एक दिन का 1,000 कमाया, उसने एक दिन का 11,000 कमाया और आपने एक दिन का सिर्फ 100 रुपये कमाया, तो इससे क्या होगा कि जो तीसरा बंदा है उसकी मैंटेलिटी अलग बनी रहेगी और मेरी मैंटेलिटी थोड़ी कम रहेगी, मैं और ज़्यादा कमाने के चक्कर में रहूँगा, बट शायद मैं रुक भी जाऊँ, मगर जो सौ कमाएगा, जाहिर सी बात है वो और लगाने की कोशिश करेगा और वो इसी वजह से लॉस करेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे लाइव, ये लाइव अकाउंट 20,250 रुपये हैं, ठीक है, 20,250 रुपये हैं, प्लस करता हूँ अगर मैं इसमें 10%, तो आज की मेरी इनकम हो जाएगी 13,025 रुपये, ठीक है। 13,025 कैसे हो गया, ये गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर दिया मैंने, प्लस करना है ना, 20,250 प्लस 10%, व्हाट क्या हो रहा है, 20,250 प्लस 10%, हाँ अब ठीक है, 20,250 रुपये मेरे पास हैं और मैं 10% कमाऊँगा, तो आज की मेरी इनकम होगी 2,025 रुपये, ठीक है। 2,025 रुपये अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे पास 22,275 रुपये जाएंगे। मैं ये अभी करके दिखाऊंगा, सिर्फ 10% ही कमाने, मुझे ज़्यादा नहीं कमाना इसके हिसाब से। डेली अगर मैं इसको ग्रो करूँगा, सोचो कल को मेरे पास 22,275 रुपये होंगे और मैं इसको फिर 10% अगर ग्रो करूँगा, 10%, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 24,000। ऐसे करते करते 30 दिन के अंदर ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, ओके, एक महीने में, जो कि एक नॉर्मल सैलरी वाले पर्सन से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, जो कि सैलरी वाले का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अभी हमारे पास फ़िलहाल 22,275 रुपये करने हैं इसको, ठीक है, ये हमारा टारगेट है आज का, हम लेट्स करते हैं इसको शुरू। चलो, ये हमारा मार्केट है 93% में और हमने इसको देखा मार्केट, ये हमारा जिगजैग पैटर्न लगता है, यहाँ से आप लोगों को पता हो इस जगह से लगता है, ये गए हम यहाँ से, हमने गए जिगजैग वर्टिकल लाइन यहाँ से, सॉरी इसमें से लगेगा आपका ये जिगजैग, इसको लगाऊंगा, लग गया, वैसे पहले से मेरा लगा हुआ है तो मैं इसको नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ये जो मेरा एक्स्ट्रा लग गया इसको हम डिलीट कर देंगे, ये मेरा लगा हुआ है जिगजैग पैटर्न। और हम मार्केट को रियलाइज करेंगे, मार्केट का ये एरिया होता है, अगर आप यहाँ से लगाना चाहोगे, लाइक नहीं, हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहो हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह, इसमें नहीं, इसमें ही होगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आपको दो तीन हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेने हैं और इसको जहाँ आपको अच्छा सपोर्ट दिखे आपको वहाँ पे लगा लेना है। फिलहाल तो मुझे एक यहाँ पे ये सपोर्ट अच्छा दिख रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे ये आपको सपोर्ट पे लगा लेना है। दूसरी लाइन आपको लगानी है ऊपर की तरफ जो हमारे चल रही है रेजिस्टेंस पे, ये इसका अच्छा रेजिस्टेंस आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। बट मार्केट इसके ऊपर क्रॉस कर चुकी है तो हम मार्केट चेंज करेंगे, हम उसमें ट्रेड करेंगे जहाँ पे हमें ट्रेड मिल रहा होगा। ये नहीं है कि हाँ किसी में भी घुस गए और वहाँ से प्रॉफिट निकाल के लेके आ जाना है, नहीं। ये मेरे लास्ट के कुछ ट्रेड हैं 700 700, ये करीब 15,000 के आसपास थे तब मैंने लिए थे ट्रेड और मेरी ये सारी ट्रेड विन हुई है। अभी हम इसके अंदर देखेंगे, ये हमारा देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। ये वाला कैंडल अगर रेड बनता है, सॉरी ग्रीन बनता है, तो हम नेक्स्ट एक डाउन के लिए ले लेंगे, और अगर ये डोजी बनाता है तो हम वेट करेंगे। बट हम वेट करेंगे बट मुझे पता है कि अगला नेक्स्ट डाउन जाएगा, बट हम लेट्स सी। आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, मैं तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ नेक्स्ट डाउन जाएगा। आप लोग हर एक ट्रेड पे मत लेना। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। और ये ट्रेड वहीं पर बंद हो रही है, गैप ऑफ मार्केट कर गई, कोई बात नहीं, हमने डाउन लिया है और ये ट्रेड हमारी विन होगी। हम वेट करेंगे क्योंकि ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो लाइन बनी है बहुत ही अच्छी बनी है, ओके। ये लाइन, ये हमारा बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे, और सपोर्ट हमारा ये रहा, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे, ये ट्रेड अप जा रही है, कोई बात नहीं। अगर ऐसे केस में भी आपको ऐसे भी सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे आपका 100% स्ट्रेटजी आप अगर यूज़ करोगे, 100% माइंड भी यूज़ करोगे, उसके बाद भी मार्केट आपको धोखा देगी, तो ऐसे केस में आपको घबराना नहीं है। वहाँ पे हम लेंगे MTG। MTG का मतलब बता दूँ आप लोगों की, जो ट्रेड हमने डाउन साइड में लिया अगर ये लॉस होता है, नेक्स्ट ट्रेड हम दोबारा डाउन के लिए लेंगे, वो भी डबल अमाउंट से। पहले हम इसे देख ले क्या होता है। चलो ये हमारा लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको डबल अमाउंट में ले लेंगे। ये देखो डबल अमाउंट, मेरा एक ट्रेड लॉस हुआ, मैंने अब डबल अमाउंट में ले लिया दो ट्रेड डाउन के लिए, क्योंकि मेरे को मालूम था ये डाउन जाएगा, और इसने एक ट्रेड अगर धोखा देता है तो नेक्स्ट ट्रेड हमारा उसको रिट्रेसमेंट करने के लिए दोबारा आएगा, और ये आ रहा है देखो, बहुत अच्छा आ रहा है, कोई बात नहीं, मगर इसका भी हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। बस देखो ट्रेड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस दोनों देखने को मिलता है। आप ये सोचो कि हाँ बस मैं प्रॉफिट ही बनाता जाऊँगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। अभी ये मेरे को प्रॉफिट में दिख रहा है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, बट क्या पता लास्ट के 2-3 सेकेंड 5 सेकेंड में ये रिवर्स मार जाए। देखो जैसे ये डरा रहा है मुझे, ठीक है, ऐसा होता है। खैर अगर ये हमारी विन होती है तो हम कुछ प्रॉफिट में तो आ जाएंगे, बट हमारा जो टारगेट है 20,000 से 22,000 करने का, सिर्फ 10% ही तो बढ़ाना है, कोई नहीं। अगर ये देखो पहले क्या होता है इसमें देखते हैं। देखो मार्केट बहुत ही अजीब चल रही है, मैंने क्या बोला था लास्ट के 2-3 सेकेंड में भी ये अप जा सकती है, और ये अप गई है, और यहाँ मेरा ये ट्रेड लॉस हो गया, मेरे तीन ट्रेड लॉस हो गए, 700 प्लस 700 प्लस 700, कितने लॉस हो गए, 714 और 721 का। कोई बात नहीं, हमारा 2130 का लॉस हुआ है, हमने अमाउंट डबल ट्रिपल कर लिया, 2130 2110, हम 2180 का लगाएंगे, ठीक है, तो जाके हमारे ये अमाउंट कवर होगा। अब हम मार्केट का वेट करेंगे, देखो यहाँ से ये आएगा डाउन, ज़रूर आएगा, ये 1-8 2-3 कैंडल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आएगा ज़रूर डाउन, USD BDT में ये डाउन आएगा, इसको आना ही पड़ेगा। और अभी हम मार्केट चेंज करते हैं, देखते हैं कहीं और। फिलहाल देखो आप लोग, मैं ये मार्केट इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये देखो यहाँ से भी मैंने डाउन के लिए प्लेस करना चाहा, बट देखो मार्केट कितना गैप अप खुला है यहाँ से डायरेक्ट। बाकी कैंडल देखो आप, यहाँ से हल्का सा डाउन, बाकी कैंडल सब जुड़े जुड़े हैं, मगर यहाँ देखो यहाँ गैप खुला है, यहाँ गैप खुला है, फिर यहाँ के जस्ट बाद देखो कितना गैप खुला है। ऐसा मार्केट बहुत वॉलीटिलिटी है, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है,
हम दूसरे मार्केट में चलेंगे, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है, नेक्स्ट पे डाउन मिल सकता है, ये वाला, ये वाला आप जा रहा है, ये वाला यहीं कहीं बंद हो तो हम नेक्स्ट डाउन ले लेंगे, इधर ही कहीं बंद हो तो, और ये ऊपर जा रहा है तो भी रिट्रेसमेंट करने के लिए वो डाउन आएगा। ओके, देखो आपका कभी भी यहाँ पे नहीं घबराना है, जैसे ये हमारा लॉस हुआ तो इस चीज़ से आपको कभी डरना नहीं है, क्योंकि ये तीन लॉस हुए और एक ट्रेड हमारी विन होगी, हमें दोबारा अपने पोजीशन पे लेके आ जाएगी जहाँ पे हम थे, इसके बाद हम दोबारा ट्रेड करेंगे। वेट किया 5 4 3 2 1, और हमने ट्रेड लगा दिया डाउन के लिए। ओके, रिट्रेसमेंट करेगा ये, वेट करते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तब तक हम अलग ट्रेड अलग मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं। ये मार्केट अच्छा सा आ रही है, नीचे डाउन आ रही है। बट लास्ट सेकेंड गाइस, लास्ट सेकेंड का कोई भरोसा नहीं होता है, कब क्या कर दे मार्केट हमारे साथ। देखो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट आपको हमेशा करना है, जैसे ये ट्रेड हमारी अब विन हो गई है। ओके, ये देखो क्लियर विन हो गई, आईटीएम आ गई, तो इस चीज़ को देखो हमारे पास 20,148 रुपये हो गए, लगभग हमारे पास 20,200 कुछ थे, 250 थे शायद, तो हम वापस उस पर आ गए, और इस चीज़ को दोबारा हमें कम कर लेना है। हमें रोज़ का कितना निकालना है, 10% निकालना है, कोई बात नहीं, हम इसको स्विच करेंगे, इसको 50%, इसको 5% कर लिया, ठीक है, नहीं 10% निकालना, ठीक, एक ट्रेड हमारा विन हो, सब हो जाएगा। ओके, अब हम इसमें हमने देखा था ये सीडी में, इसमें देखो गाइस डाउन आने के लिए शुरू हो गया ये, मुझे इस ट्रेड की, ये ट्रेड हमारा मिस हो गया, इस ट्रेड पर मैं डाउन लेता, बट कोई नहीं, अगर ये कहीं ग्लिच होगी, इधर आसपास बनती है तो हम नहीं से दोबारा डाउन ले लेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे 10% पे, 5 4 3 2 1 लो। ये अपोजिट जा रहा है मार्केट, कोई बात नहीं, क्या पता लास्ट सेकंड में ये पलट जाए, क्योंकि इस सब में देखो ये कितनी लंबी लंबी नींव बना रही है, यहाँ पे भी अब गई फिर अचानक लास्ट में ये डाउन आ गई, यहाँ पे भी अब गई अचानक लास्ट में ये डाउन आ गई, ठीक है, यहाँ पे भी है बहुत ऊपर जाके फिर ये थोड़े से नीचे आ गई, इस चीज़ को हम इग्नोर करेंगे। गाइस कभी भी आपको लॉस से घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, लॉस हो रहा है आपका, 10% का लॉस हुआ, यहाँ पे आपने लगा लिया 20%, हम एमटीजी लेंगे सेम डायरेक्शन में, अगर ये लॉस होता है हम दोबारा डाउन लेंगे नेक्स्ट कैंडल पे। ओके, 5 4 3 2 1 ले लिया हमने ट्रेड, ठीक है 20%, 20% के बाद हमें देखना, अगर ये हमारी विन होती है तो हम दोबारा से इसको चेंज कर लेंगे, इस पे हम दोबारा से आ जाएंगे 10% पे, ये ट्रेड हमारी विन हो गई तो लॉस हो गई तो हम इसको 40% कर लेंगे। हमें डेली का 10% निकालना है, ज़्यादा टाइम अभी हुआ नहीं है हमें, मैक्स टू मैक्स कितना टाइम हुआ हमें अभी, हमें मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट हुए हैं, ठीक है, 10 से 15 मिनट में आप लोग सोचो कि लोग दिन दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम करने के बाद भी एक लीवर गेट का आदमी का दिन भर काम करता है तो जाके वो कहीं 800 1000 रुपये 1200 रुपये कमाता है। अगर आप यहाँ पे अपना 1 घंटा 1.5 घंटा दे के 1000 2000 4000 रुपये कमा लो तो क्या बुरा है, ठीक है। देखो गैस यहाँ पे कभी भी आपको डरना नहीं है, अगर आप, मैं सोचो ये ट्रेड छोड़ देता यहाँ से, नेक्स्ट ट्रेड डाउन लेता अगर ये बन जाती तो, मैंने यहीं से ट्रेड पे रिस्क लिया और ये आ गया, हमारे पास 20,000
200 कुछ थे, अभी यहाँ पर 21,500 आ गए। हमारा ये ट्रेड विन हो गया। अब हमें दोबारा से अपने उसी छोटे अमाउंट पे आ जाना है, ठीक है। अब हमारा इन्वेस्टमेंट लगेगा 2150 का 10% पे, ठीक है। हमारा ऑलरेडी 5% गेन हो गया है, नॉर्मल एव, हाँ 5% गेन हो गया। अब हमें 5% और चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। 1,000 रुपये लगा के 1,000 रुपये और आएगा तो इसमें 22,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 5 से 6% कर लेते हैं, ओके। इस ट्रेड को हम लेंगे नेक्स्ट कहीं पे चेंज करके, ये जा रहा है डाउन, अप डाउन, अप 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 अप, ये आ रहा है, ये रेड बनता है तो हम नेक्स्ट ग्रीन ले लेंगे, आप ले लेंगे अगर ये रेड बनता है तो। अगर ग्रीन बनता है तो हम इसे अवॉइड करेंगे। चलो छोड़, इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें हम नहीं लेंगे। ओह शिट शिट, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हम इसे, ये मिस हो गया, सॉरी गाइस, ये वाला हमें डाउन लेना है। चलो ये हमने डाउन ले लिया, हमारी एंट्री अच्छी हुई है, ये हमारा गिन जाएगा, 100% गिन जाएगा। 6% पे हमने ट्रेड लिया है हमारी इन्वेस्टमेंट। हमारे पास अब पैसे बचे हुए हैं 20,215 रुपये, और हमारे पास अब आएगा 2,477 रुपये आएगा। तो 20,000 और 2,400, 22,400 प्लस 200, 22,677, 22,600 समथिंग आ जाएगा, 22,600 या 700, ओके। आपको हमेशा अपना टाइम देना है और इसके अंदर कभी भी आपको घबराना नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारा लॉस हो रहा है, नहीं लॉस नहीं हो रहा आपका, आप सीख रहे हो। आप अगर मार्केट में 10,000 रुपये लेके आए हो, अगर वो 10,000 भी लॉस हो जाते हैं, पूरे पूरे लॉस हो जाते हैं, मतलब चलो पूरे ही लॉस हो गए, ये नहीं कि आपका थोड़ा हो, तो आप ये समझो कि आपने लॉस नहीं किया, आपने 10,000 रुपये फीस दिए मार्केट को कुछ सीखने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा माइंड में रखना कि आपका लॉस नहीं हुआ, क्योंकि आप कहाँ लॉस नहीं होता है, कहाँ पर आप कहीं जॉब करने जाते हो वहाँ पर भी लॉस होता है, मगर आपको लगता है लॉस नहीं हुआ, लॉस होता है वहाँ पर आपका टाइम का, ओके। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे पास कैलकुलेटर 20,250 रुपये थे, ऑलमोस्ट इतने ही थे शायद, ये ज़्यादा होंगे मेरे को या कम थे, ऑलमोस्ट इतने ही थे, ठीक है। 10% मैं गेन करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 22,275 रुपये और मेरे पास कितने, 22,693 रुपये। बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखो, 400 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिया मैंने आज का 10%। ये मत देखो गाइस कि ये 22 रोज, आज मैंने इतना कमाया, ठीक है, ये देखो 20,250 रुपये मेरा 10%, 2,025 रुपये है इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी ये 20,250 प्लस 10%, एक दिन की इनकम 2,025 रुपये इंटू कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर प्लस करेंगे हम 10% दोबारा, तो देखो 22,227 रुपये होगा। इसके अंदर भी अगर हम दोबारा 10% करेंगे तो 2,400 हो गए, मतलब 2% भी, 200 रुपये बढ़ रहे हैं इसमें, 200 का भी 300 जैसे जैसे, क्योंकि हमारा ये कैपिटल भी तो बढ़ रहा है ना, अभी हमारा कैपिटल इतना हो गया 26,000 हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 27,000। अब इसमें हम 10% अगर करेंगे तो हमारे पास एक दिन के 2,600 मतलब 2,700 रुपये आ जाएंगे, अभी हमारे पास कितना 2,200 रुपये आया था फर्स्ट में, तो ये हमारा पर डे के हिसाब से बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तो ये ऑलमोस्ट हमारा पहुंच जाएगा 30-40-50,000 के आसपास पहुंच जाएगा एक मंथ के अंदर, और उसी अमाउंट को ग्रो करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो दूसरे मंथ में मतलब ऑलमोस्ट 60 डेज, अगर हर में हर रोज़ 10% बढ़ रहा है तो आपका वो अमाउंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 से 7 लाख रुपए बन जाएंगे। बट यही है कि आपको ये ये चीज़ आपको हमेशा मेंटेन करना है, स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट, ये चीज़ आपको हमेशा फॉलो करना है। अगर इसको आप फॉलो नहीं करोगे तो आप अपने पैसे गवा दोगे, ठीक है। अब ये नहीं कि मेरा आज इतना हो गया अब मैं लालच करूँगा और ट्रेड लूँ, क्यों लेना है मुझे ट्रेड, 10% इनफ है आज के लिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।